गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ गुलाब सिराजपूत और आज आप लोगों को फिर से बताने वाला हूँ कि हमारे जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हैं उसका ऑनलाइन काउंसलिंग का जो आगे का प्रोसीजर है उसका फिर से नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ। सभी बच्चे बिल्कुल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो डेट आप लोगों को बताते जाऊँगा या वीडियो में जो दिखाते जाऊँगा, एक बार देखिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं इंदिरा igkbmis.cg.nic.in। इसमें हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे यूजी, पीजी एवं पीएचडी का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। फिर आगे हम सर्च करते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, और फिर इसमें सर्च करने के बाद आगे हमें देखना होगा एडमिशन 2020-21 न्यू नोटिफिकेशन, जिसके बारे में आया है। फिर आगे हमें सर्च करना है यूजी का ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21, तो हमें यूजी को खोल लेना होगा। उसके बाद फिर इसमें दिया बीएससी एग्रीकल्चर एवं बीएससी हॉर्टिकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी 4:47 में, जिसके बारे में हम लोग आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए आइए नोटिफिकेशन को खोल लेते हैं। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर के अंतर्गत जो इस बार पीएटी एग्ज़ाम न होकर के 12वीं मेरिट रिंक के आधार पर जो काउंसलिंग होने वाला है उसकी प्रक्रिया में जो समय है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। जैसे पहले हम सबको पता था 21 सितंबर को मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, लेकिन अभी तक वो मेरिट लिस्ट नहीं निकल पाया, तो उसका फिर से समय कब दिया जा रहा है। चलिए आगे हम वीडियो के माध्यम से चलते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट या दिक्कत रहता है तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हेल्प डेस्क में जो नंबर दिया उस नंबर पे भी आप फ़ोन करके डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं, या हम हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है www.igkbmis.cg.nic.in, इस पर आप लोग सर्च करके भी पूरी जानकारी काउंसलिंग प्रक्रिया की ले सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे आप सभी को पता है 12 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में हमारा आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुआ था। ऑनलाइन पंजीयन शुल्क जमा करना, प्रवेश हेतु पंजीयन करवाना एवं दस्तावेज अपलोड करना, इसका समय मिला था हम लोग को 10 सितंबर तक का। 10 सितंबर के बाद 11 और 12 सितंबर को 2 दिन का और समय मिला था कि अगर किसी बच्चे का किसी कारणवश फीस जमा नहीं हो पाया है तो ऐसे अभ्यर्थी पुनः भुगतान की उनको सुविधा फिर से मिला था। उसके बाद 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक का हमारा समय था कि हम लोग कोई भी पास के कृषि महाविद्यालय में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर बाद में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर फिर से नया नोटिफिकेशन आया था कि हमें पहले कोई भी कृषि महाविद्यालय में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर एक नया नोटिफिकेशन अभी आया है कि आवेदन पत्र के हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा अभी, और वेरिफिकेशन होने के बाद पात्र अपात्र का ऑनलाइन वेबसाइट का प्रकाशन 27 सितंबर को होगा। मतलब हमारा पहला जो मेरिट लिस्ट निकलने वाला है पात्र पात्र सूची का ऑनलाइन वेबसाइट का पर जो प्रकाशन होने वाला है वो 27 सितंबर 2020 को होगा। उसके बाद आवेदन पत्र के परीक्षण पर दावा पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2020 से 3 अक्टूबर 2020 के मध्य होगा। अगर हमारे रैंक जो है अच्छा परसेंट आया और कम रैंक आ गया है, और हमारे पहचान में किसी का कम परसेंट और ज़्यादा रैंक आ गया है, तो हम उसके पीछे दावा पत्ति कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो रैंक है उसमें पुनः सुधार होगा, और पुनः सुधार होने के बाद उसका जो आवेदन करने का समय है वो 3 अक्टूबर तक का है। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात मेरिट रैंक का प्रकाशन, जिसे आवेदक अपने लॉगिन करके देख पाएगा, उसका समय मिलेगा 7 अक्टूबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सभी लोग पूछ रहे थे सर कि मेरिट लिस्ट आज आने वाला है क्या, कल आने वाला है क्या, तो मैं आप लोग को पुनः बताना चाहूँगा कि हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट है
वो 7 अक्टूबर 2020 को आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है। फाइनली हमें 7 अक्टूबर को हमारा मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसके आधार पर मैं एक फिर से वीडियो बनाऊंगा और मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूंगा कि किस रैंक पे आपको संभवतः कौन सा कृषि महाविद्यालय मिल सकता है। उसके बाद फिर मेरिट रैंक के आधार पर 8 अक्टूबर को पुनः मेरिट सूची के आधार पर सीट का आवंटन हो जाएगा। आप लोगों का जो इंतज़ार की घड़ी है वो फाइनली पूर्ण हो जाएगा। 8 अक्टूबर को हमारा प्रथम राउंड का जो काउंसलिंग है उसमें जिन बच्चों को कॉलेज मिलना है उन बच्चों के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपको ये अमुक कृषि महाविद्यालय मिला है, या हमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसमें भी हम लोग अपना लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल करके देख सकते हैं कि हमें कौन से कृषि महाविद्यालय मिला हुआ है। आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने के लिए या सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना होगा। अगर हमें 8 तारीख को कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज मिलता है, अगर हमें 8 तारीख को कॉलेज मिल जाता है तो फिर उसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करने का हमें समय मिलेगा 9 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच तक का। और फिर सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारणवश फीस जमा न करने के कारण सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है परंतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, उसके लिए फिर से ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा। इसके लिए समय मिलेगा 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक का, मतलब एक दिन अतिरिक्त समय मिलेगा। यहाँ पे प्रथम चरण का काउंसलिंग का जो लास्ट प्रोसीजर वो होता है कि शुल्क भुगतान करने के पश्चात यदि सीट निरस्त करने हेतु एवं या आगामी चरण की काउंसलिंग से बाहर निकलने हेतु आवेदन सीट विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ कर सकता है। सीट विड्रॉल मतलब आप लोग का जैसे 5000 रुपये फीस जमा किए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो 1000 रुपये आपका कटेगा, बाकी 4000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा और सीट विड्रॉल करके हम लोग पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो इसके लिए समय मिलेगा हमें 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। प्रथम राउंड काउंसलिंग समाप्त होने के बाद द्वितीय राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है, और द्वितीय राउंड काउंसलिंग के बारे में और तृतीय राउंड काउंसलिंग के बारे में, मॉप अप काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल में विस्तार से हमारे पिछले यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोग को जानकारी दे दिया था। लेकिन आप लोग अभी 13 अक्टूबर तक का प्रथम राउंड काउंसलिंग के बारे में जानिए। अगर यहाँ तक समझ आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप सभी बच्चों तक का पहुँचा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितने मदद हम लोग कर रहे हैं आप लोग के भविष्य को लेकर के उतना मदद आप लोग का और कोई कर पा रहा होगा। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल है साई कृषि कोचिंग बिलासपुर नाम से, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। जितने भी 17,000 बच्चे जो एग्ज़ाम दिलाए हैं, PAT का वो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, वो सारे बच्चों तक का ये हमारा नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। और फिर आगे का जो वीडियो है उसमें आप लोग को मैं विस्तार से फिर से बताने वाला हूँ कि आगे हम लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग और मॉपअप काउंसलिंग में क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।